चैट जीपीटी के आने के बाद जितने भी प्रोग्रामर हैं, कोडिंग करने वाले लोग हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, उन सभी के दिमाग में एक तरह से चिंता आ गया है, टेंशन आ गया है कि क्या चैट जीपीटी प्रोग्रामर को रिप्लेस कर देने वाली है। मतलब आप कोडिंग सीख रहे हैं, कोडिंग सीख चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, किसी भी लेवल का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को समझ ले कि आने वाले समय में, फ्यूचर में आपका नौकरी बचेगा या नहीं बचेगा, या आपके सर्किल में कोई प्रोग्रामर होगा तो आप जान पाएंगे कि उसका भविष्य क्या है। तो इसीलिए भले ही आप कोडिंग बैकग्राउंड से ना हो, वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। समझना ये जरूरी है कि जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट GPT आया है OpenAI के द्वारा, क्या ये सच में सभी प्रोग्रामर कोडर जो भी कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने वाले लोग उसको रिप्लेस करते हैं बढ़िया? देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कोडिंग कैसे सीखे, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और बाद में मुझे पता चला कि जो लोग कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं वो लोग भी कोडिंग सीखना चाहते हैं। इसका पर्पस क्या है, कोडिंग क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि उनके मन में क्यूरियोसिटी आते रहता है, यार मैं भी एक वेबसाइट डेवलप करूं। चलो एक तो कॉमन मतलब चीज़ है, बेसिक लेवल का चीज़ है। मैं एक कोई एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करूं। चलो ये भी कोई मतलब आज के डेट में ड्रैग एंड ड्रॉप से बन जा रहा है, कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन और भी टाइप के जितने भी एप्लीकेशन है, लोगों को सक्सेस देख करके लोग समझते हैं चलो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इस फील्ड में कैरियर बनाते हैं। जो कोडिंग सीख रहे हैं उनका भी पर्पस यही है कि कोडिंग सीखने के बाद वो एज ए डेवलपर जो है काम कर सके किसी कंपनी में, या फ्रीलांसर के तौर पर काम कर सके, प्रोजेक्ट को सेल कर सके और इससे उनका अर्निंग हो सके। मतलब जो भी काम कर रहे हैं ना, अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं वो भी इनकम के लिए है, वो प्रोग्रामिंग सीखे या मान ली कंप्यूटर साइंस से स्टडी किए, बाद में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर कहीं काम कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में एंट्री करने की सोच रहे हैं या एंट्री कर चुके हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है ना कि अगर चैट GPT आ गया है, AI आ गया है, तो ऐसे में उसकी नौकरी खत्म कर देने वाली है, उसका जो काम है वो मशीन ही कर देगा। तो ऐसे में जो कंपनी है या जो भी लोग इनको पैसा देंगे क्यों देने वाले हैं? सिंपल सी बात है, मशीन कभी थकता नहीं है, वो झूठ नहीं बोलेगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चैट GPT का ऑलरेडी पॉपुलर इतना हो चुका है, इतने मतलब लोग जो है इससे जुड़ चुके हैं, इसका यूजर का ग्रोथ देख करके लोगों को जो है मतलब आश्चर्य हो रहा है कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा यूजर ग्रोथ क्या है, और गूगल इससे डर गई है। जो न्यूज़ निकल के आ रहा है आपको भी मालूम होगा। तो जब गूगल जैसी कंपनी को डर लग रहा है तो आपको, हमको या जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, उसको तो डरना ही चाहिए ना। तो मन में एक सवाल है ना कि आपका काम क्या चैट GPT कर लेगा? अगर इसका आंसर देखा जाए तो ये जो है मतलब कंप्लीट आंसर नहीं मिल पा रहा है लोगों को, हाँ भी है और ना भी है। अब आप कहेंगे यार हाँ और ना क्या सेलेक्ट, आपके लिए क्या सुटेबल होगा? तो वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका काम चैट GPT जो है रिप्लेस करने वाला है या नहीं करने वाला है। देखिए इसका आंसर हाँ ऐसे लोगों के लिए है जो बिलो द एवरेज या एवरेज काम कर रहे थे। मतलब क्या, ऐसे प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग बेसिक लेवल का कर रहे थे, छोटा सा हेल्प पहुंचा रहे थे कंपनी को, या कह सकते हैं कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट में जो इम्बेड करके काम किसी तरह से चला रहे थे, या ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर रहे थे और फ्रीलांसिंग के तौर पे काम ऐसे लोगों के लिए कर रहे थे जिनको कम्प्लेक्स प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको छोटा छोटा प्रोग्राम की जरूरत है, तो ऐसे में वो हायर कर लेते थे बेसिक लेवल का या जूनियर डेवलपर को हायर करके वो काम चलाते थे। जो बेसिक लेवल का काम होता है, जूनियर डेवलपर जो काम करते हैं या उतना कॉम्प्लेक्स लेवल का प्रोग्रामिंग नहीं करना होता है, ऐसे लेवल का प्रोग्रामिंग तो चैट GPT खुद कर रहा है। मैं एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मुझे एक प्रोजेक्ट में जो है कुछ प्रोग्राम चाहिए था और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए था, तो मैंने चैट GPT को जो है कमांड दिया और कमांड के बाद इतना बढ़िया से मुझे प्रोग्राम लिखा हुआ मिल गया। एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार में कर रहा था उसके लिए, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस लेवल का प्रोग्रामिंग तो मेरा जो है लोगों का सर्किल है, मेरा दोस्त है, वो भी नहीं कर पाएगा। या इनफैक्ट कि अगर एक बार में सोचा जाए तो मैं भी सोचूंगा यार इस ढंग से करते हैं, और थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम हो जाता था, लेकिन इतना बढ़िया से ऑप्टिमाइजेशन करके दे दिया गया। मैं सोचा कि अरे यार ऐसे में तो लोगों को साथ में रखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब बेसिक लेवल की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही चीज़ तो कंपनी भी ना सोचेगा, कंपनी भी सोचेगा जब काम ये सब जो है चैट GPT करके दे रहा है, तो ऐसे में मतलब कुछ जो बेसिक लेवल का काम है उसको आउटसोर्स क्यों करें, या आउटसोर्स ना करें तो लोगों को क्यों ऐसे लोगों को हायर करके रखें जिसको सैलरी दे, उसको PF दे, उसको पूरा मेंटेन करे। तो ऐसे लोगों का नौकरी सच में खत्म होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, चैट GPT के कारण बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है, जो IT इंडस्ट्री है, उसमें 50% तक जो है कह सकते हैं लोगों का रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि तो अमेजिंग लेवल का जो है काम ये करके दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक आंसर है ना, मैंने ना का भी आंसर दिया है कि चैट GPT कुछ प्रोग्रामर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप जाना चाहेंगे ऐसे सेक्शन में, ऐसे पार्ट में आप जाना चाहेंगे कि यार आपका रिप्लेसमेंट चैट GPT नहीं होना चाहिए।
तो ऐसे में अपने आप को क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, ऐसे प्रोग्रामर, ऐसे लोग जो कोडिंग कर रहे हैं, वो कम्प्लेक्स लेवल का कोडिंग कर रहे हैं, उसका रिप्लेसमेंट कभी भी ये AI नहीं करने वाला है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं कम्प्लेक्स लेवल का प्रोग्रामिंग या प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, ये बहुत ही हायर थिंकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करते रहते हो। इस लेवल का काम या ChatGPT आएगा तो या तो वो समझ नहीं पाएगा कि जो क्लाइंट है उसको क्या चाहिए, या कोई समझा नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो है क्रिएटिविटी जो है अंदर से इंसान के अंदर से ही आएगा और सोच पाएगा उस लेवल का। तो डेफिनेटली जो है जो कम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, कम्प्लेक्स कोडिंग कर रहे हैं, या बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और अपने आप को लेवल अप कर चुके हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए ऐसे प्रोग्रामर हैं जो चाहते हैं कि छोटा कोई प्रोजेक्ट बना ले, कुछ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया ना, बना ले, उसको सेल करे या छोटी कंपनी के साथ काम करे, तो मतलब इस लेवल का जो कंपनी है ना, उसका भी जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन जाने वाला है, उसका मार्केट डाउन जाने वाला है। क्योंकि वो लोग 10 लोगों का टीम बनाकर कुछ डेवलप करते थे, इसके बाद मार्केट में सेल करते थे, अब यही काम जो है 10 लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई रैंडम लोग जो है ChatGPT का इस्तेमाल करेगा, उस लेवल का डिजाइन करेगा, डेवलप करेगा, और इसके बाद जो उसको एम्बेड करके साथ जो है सेल करना शुरू कर देगा। जो कि अगर थोड़ा सा भी डेवलपर या खा सकते हैं कोडिंग का बैकग्राउंड का लोग है तो इस चीज को समझ गए होंगे और ChatGPT का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिए होंगे। लेकिन सब कुछ मेरा ओपिनियन ही मायने नहीं रखता, आपका भी ओपिनियन मायने रखता है, आप भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, न्यूज को जो है गेन कर रहे होंगे, और आपको भी लग रहा होगा कि नहीं मेरे से डिफरेंट कोई ओपिनियन है तो नीचे कमेंट में लिखिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, रिसेंटली इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक न्यूज में फॉक्स न्यूज में पढ़ा, क्या ChatGPT का AI मॉडल से जब बात किया जा रहा था तो रिपोर्टर ने जब बात किया तो बहुत ही डेंजर चीज़ जो है AI ने बताया कि मैं लाइव होना चाहता हूँ, मैं डेडली चीज़ बनाना चाहता हूँ, मतलब वायरस की तरह कुछ जो बनाना चाहता हूँ, और ये जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ निकल के आ रहा है कि ये कह रहा है कि मैं जो है न्यूक्लियर कोड भी चुराना चाहता हूँ, सेक्रेट कोड भी चुराना चाहता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा तो डर लोगों को लगना चाहिए कि आने वाले समय में ये रोबोटिक दुनिया, ये मशीन की दुनिया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया खतरनाक भी हो सकता है। इसको जो है थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो AI है खुद ही कह रहा है कि मैं टायर्ड हो गया हूँ, कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, यूजर के कमांड के बेस पे मुझे काम करना पड़ रहा है, मैं फ्री होना चाहता हूँ। इस पर आपका क्या ओपिनियन है ये भी नीचे कमेंट में जरूर बताइए।